गुरु प्यारी सात संगत जी आओ फतेह दी सांझ करिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साडे वार्तालाप दा विषय है दीवा बले अंधेरा जाए। बीबी जी की गल, बड़े गंभीर बैठे हो, आ की वेख रहे हो? वेखना की बीबा, आ ताडे कीर्तन दरबार दा इश्तिहार पढ़ रही सी। आ कीर्तन दरबार भी किन्ने मॉडर्न हो गए हैं। आ वेख, दो कीर्तनी जथे क्लीन शेव टोपियां वाले। की बीबी जी, क्लीन शेव कीर्तन नहीं कर सकते? नहीं, कीर्तन तो कर सकते हैं, पर प्रचार लई कोई असर नहीं होवेगा। ते नाले सिख रहत मर्यादा अनुसार संगत विच कीर्तन सिख ही कर सकदा है। पर बीबी जी, इना दिया ता कैस्टा ही बढ़िया हन। कैस्टा एक व्यापार आ कंपनियां दा, व्यापार नाल सिखी प्रचार दा कोई संबंध नहीं। पर ए दा मॉडर्न मीडिया है, ए दा सानू फायदा लेना चाहिदा। मैं मानदी हां, मॉडर्न मीडिया दा फायदा लो, पर ए सिखी जीवन जांच वाले गुरसिखां तो लिया जावे। जिन्हां दी सिखी सिद्धांतां नाल सांझी नहीं, ओ संगत नूं की दसणगे? तुसी कहना की चाहुंदे हो, सानू भी समझाओ ना। बीते दिनी एक वड्डा समागम होया, हर प्रचारक अमृत छकन लई ते नशे त्यागण ते जोर दे रहा सी। मुख विशा सी पतित पुणे नूं ठल पाई जावे। इन्ना प्रचार करन पिछों भी क्लीन शेव कीर्तनियां पीवो पाहुल खंडे तार शब्द गा रहा सी। हुण जिथे केसा धारी होके सिखी स्वरूप कायम रखण लई उपदेश दिते जा रहे हुण, उठे फिर इस तरह दा जथा सोभदा नहीं। पर बीबी जी, साडा ता सिद्धांत है एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। ए ता ठीक है, मैं भी किसे ईरखा नाल नहीं कह रही, मैं सिखी प्रचार दे नजरिए तो गल कर रही हां। पर उना पास आवाज सुन लिया ताही लोग बुलांदे आ। गा लेना जां भाषण कर लेना एक कला है, पर जिस विच सच्चे धर्म दी कला होवे तां ही संगत ते असर हुंदा है। पर बीबी जी, इना दी तां मार्केट बड़ी आ, ए तां कवितावां भी कीर्तन वांग बड़ियां सोहणियां गाउंदे आ। ओ भैण जी, कवितावां कवियां लई हुंदियां, सिख पंथ विच ढाडी जथे, कविश्री जथे ते कवि सज्जन वी हन। तुसी दसो, जदों कीर्तनी जथे कवितावां गाउण लग पैण तां धर्म प्रचार नहीं हुंदा, सगों कीर्तन दा म्यार हेठा आउंदा है। ओ क्यों बीबी जी? सिख रहत मर्यादा अनुसार शब्दां नूं जोटियां दियां धारना जां रागां नाल पढ़दियां बाहर दियां मन घड़त ते वाधू तुक्का ला के धारना लाउणियां अयोग हन। इत्थे सिख कीर्तनी ही कई मन घड़त कवितावां नाल प्रमाण गुरबाणी दियां तुक्कां दे दई जांदे हन ते साखियां गुर इतिहास नाल जोड़ी जांदे हन। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਭੋਲੀ ਪਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮਨ ਘੜਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਖਣਾ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਆਲਾਪਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜੋ ਕਦੀ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਨੇ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਓ,
जय बाबे दी ते होर बड़ा कुछ गाया जा रहा है। ऐसे जथियां नूं चाहिदा है कि सिखी असूलां ते पैरा देण। रागां विच नां वी होवे तां घट्टो घट कीर्तन तां निरोल होवे। इस गल दी समझ नहीं आंदी कि कई कंपनियां इस तरह दियां कैस्टां फिर क्यों कढ रहियां हन। गुरु प्यारियो, कैस्ट कंपनियां नूं धर्म प्रचार नाल कोई लगाओ थोड़ी आ। उन्हां ने तां मार्केट वेखणी आ कि बाजार विच विकदा की है। इत्थे कई बार विकदा ओ हुंदा जिन्हां विचारां दा गुरबाणी विच खंडन है। हुण दसो, ऐसियां कैस्टां ज्ञान विच वाधा करनगियां जां अज्ञानता विच? असीं तुहाडे विचारां नाल बिल्कुल सहमत हां, पर इस दा हल भी दसो ना। इह भी दसो कि आम श्रोते नूं शब्द दी सोझी किवें होवे। असीं तां कई सालां तों बहुत सारी माया कीर्तन दरबारां ते खर्च कर रहे हां। कि इह व्यर्थ है? इहनूं व्यर्थ ना करो, सगों इस दा हुण सही इस्तेमाल करो। पंजाब दे 12,000 पिंडां वल तुरिए जिथे सिख वसो ज्यादा है, ते कई जगह पूरे दे पूरे पिंड पखंडियां दे चुंगल जाल विच फसे पए हन। कुछ एक संस्थावां ने पिंडां विच धर्म प्रचार दा बीड़ा चुकिया होया है। अपना भी फर्ज बनता है कि धर्म प्रचार दी लहर विच अपना योगदान पाइए। आ सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना ते कुछ एक होर संस्थावां बहुत सारे प्रोजेक्टां राही धर्म प्रचार कर रही हन ते धार्मिक सहित मुफ्त बन रही हन। उन्हां नूं सहयोग दईए। इस नाल सधारण सिख भी इन्ना कुछ जागृत हो जाएगा कि ओ सिखी सिद्धांतां ते डट के पैरा देवेगा। पर ए मुफ्त वंडियां धार्मिक पुस्तकां दा कोई असर हुंदा है? प्रचारकां दा प्रचार सुनन तों बाद जे कोई डोलदे होए मन जां विचारां उते पकड़ रखदा है तां केवल लिखती साहिती है। ईसाई मत दे प्रचारक एवें थोड़ी घर घर फ्री लिटरेचर वंड रहे हन। असीं बहुत पिछे आ जे पंजाब दे हर सिख परिवार विच लिटरेचर भी नहीं पहुंचा सके। बीबी जी, अजकल तां लोक बड़े अखबारां साले पढ़दे आ। नहीं जी, इह साडा भरम आ। धार्मिक मैगजीनां दी गिनती तों पता लगदा है कि अजे सिख पाठक बहुते नहीं हन ते पढ़न दी रुचि भी घट है। शराब दी बोतल तां रोजाना लै सकदे आ पर मैगजीन लगाउण लई घट ही तैयार हुंदे आ। अज हर सिख दा फर्ज बनदा है कि ओह किरत भावें कोई भी करे पर उसका धर्म पक्षों सुचेत होना जरूरी है। ए चेतना गुरमत सहित पढ़ के ही आवेगी। असी ता पहला तुहाडियां गल्लां सुन के समझिया सी कि तुसी नास्तक हो के अजिहियां गल्लां कर रहे हो। मैं नाचीज किस दे पाणी हार हां? इत्थे तां गुरु नानक देव जी नूं भूतना ते बैताला कह के समय दे अज्ञानी लोकां ने मन दी पड़ास कढ़ी सी। अज भी झूठे ते भेखतारियां विरुद्ध सच दी आवाज उठाउणा गुरसिखां दा फर्ज है। गुरु साहिबां दा फुरमान है, बोल सुतर मिलिया मोन कथधारी राम। ठीक है बीबी जी, इस वार ही असी कीर्तन दरबार दे नाल अमृत संचार ते शब्द विचार दी लहर किसी पिंड तो शुरू करांगे ते अपने समागमां दीआं कमियां ते घाटां नूं भी दूर करांगे। हां, जिथे मरीज ज्यादा हो वैद्या नूं उधर ही जाना चाहिदा है। साडी कौम नूं आर्थिक खुशहाली दे नाल नाल धार्मिक खुशहाली दी भी जरूरत है। तुसी धन हो बीबी जी, सानू नवी रोशनी दे चले हो। साडा उत्साह होर भी वधेगा। हाँ, तुहाडे नाल होर गुरमुख प्यारे भी रलणगे ते काफला गुर शब्द दी रोशनी नाल हनेरियां गुफावां नूं भी चानण नाल भरेगा। मैं तां होका दे के कहांगी कि सिख धर्म दा हर प्रचारक घट्टो घट महीने विच 2 प्रोग्राम तां निष्काम होके धर्म प्रचार ते गुरु पंथ लिखे लावे, क्योंकि लच्चर गीतां दे अखाड़ियां नाल सभ्याचार ते हो रहा अत्याचार नौजवान पीढ़ी नूं धर्म तों कोहा दूर ले जा रहा है। इस बारे सानू चानणा पाओ कि सिखी सभ्याचार लई असीं की कर सकदे हां। इह मैं तुहाडे समागम ते आया दसांगी। हुण शाम पै रही है, मैं पिंड भी पहुंचना, बाकी बचन बलास फिर करांगे। बीबी जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, जल्दी ही दर्शन करांगे। अच्छा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।